हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है फूड एंड क्रिएटिविटी। चलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है और हर घर में तकरीबन बनती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू का भरता और पूरी, जिसे आलू की सब्जी भी कहते हैं। बहुत लोग आलू का भरता बोलते हैं। हम आलू का भरता बनाएंगे और पूरी बनाएंगे और उसके साथ एक दही और बूंदी का रायता बनाएंगे। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर ली है। ये मेरे आलू हैं जो कि मैंने छील के काट के रख लिए हैं, धो के, 1 किलो हैं। और हमें टमाटर लगेंगे, 3 से 4 टमाटर, और 4 हरी मिर्च मैंने ली हैं, इन्हें मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये धनिया है, सूखे मसाले आ जाते हैं, धनिया ले लेते हैं 3 चम्मच। और ये हैं हमारे दूसरे मसाले, ये है 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और 1.5 चम्मच से थोड़ा कम, 1.5 चम्मच ही समझ लीजिए, ये हमारा चाट मसाला है। और ये है 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच नमक और चुटकी भर हल्दी है। और हमारे जो घी में जाएगा वो है ज़ीरा और कलौंजी। ये ज़ीरा 1 चम्मच है और कलौंजी 1/2 चम्मच है। इसी के साथ चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने आलू के भरते को बनाना। और देखिए घी है हमारा, घी हमारा वही है मेजर जो मैंने बताया हुआ है, 1 चम्मच भर के और 1/2 चम्मच और। तो ये क्योंकि 1 किलो आलू हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, इस बार मैंने 2 चम्मच लिए हैं, क्योंकि जब तक भरते में घी ऊपर अच्छे से ना आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। और ये थोड़ा पानी वाला भरता बनेगा, बहुत सूखी सब्जी नहीं बनेगी इसकी, क्योंकि मैंने पहले ही हीट करने के लिए रख दिया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। घी जैसे ही गर्म होगा हम इसमें अपना ज़ीरा और कलौंजी डालेंगे। चलिए घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपना ज़ीरा और कलौंजी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फटाफट ही हम इसमें, बस ज़ीरे को हमें काला नहीं करना है, ब्राउन ही करना है, और टमाटर ऐड कर देंगे, फिर सूखे मसाले डाल। टमाटर और हरी मिर्च को हमें अच्छे से भून लेना है, और इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं डलती हैं, बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। कोई भी जो बिगनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छी लस्सेदार, खट्टी, तीखी हमारी आलू की सब्ज़ी बन के तैयार होएगी। बस अब हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे और थोड़ा सा इसमें अपना सूखे मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा टमाटर भुन जाए, इसका पानी थोड़ा सा खुशक हो जाए। चलिए देखिए हमारे टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसमें अपने सूखे मसाले ऐड कर देंगे, धनिया और बाकी ही सारे सूखे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, बहुत मैं आप सब लोगों से बार बार कहती हूँ, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दूसरों से भी करवाइए। और अगर आप मुझसे कुछ और चाहते हैं कि मैं कुछ और बना के आपको दिखाऊं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी वो काम करने की, वो खाना बनाने की, वो डिश बनाने की जो आपको पसंद है या आप चाहते हैं कि मैं बना के दिखाऊँ। वैसे तो मेरा ये चैनल जो है बस नॉर्मल घर का खाना ही बनाना होता है, मैं कोई बहुत ही कॉन्टिनेंटल फूड वगैरह नहीं बना पाती हूँ, और करती भी हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी वीडियोस में नहीं बना रही हूँ। मैं नॉर्मल घर का खाना, ताकि जो बिगनर्स हैं या जो पीजी में रहते हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही आसानी से बिल्कुल नॉर्मल अपने घर जैसा खाना बना सकें और उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, इस तरीके की वीडियोस बहुत मिल जाएंगी।
तो इसमें मेरी भी बस थोड़ी सी कोशिश यही है कि मैं भी किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। चलिए ये काफ़ी भुन गया, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। देखिए, और मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन आएगा उसको दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे चैनल का नाम है फूड एंड क्रिएटिविटी। देखिए हमारे मसाले अब अच्छे से भुन चुके हैं, हमें अब बस इसमें अपने आलू डाल लें और फटाफट इसमें सीटी लगा देनी है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मुश्किल से 15 मिनट में बन जाता है सब कुछ। तो हम इसमें आलू डाल देंगे अपने सारे। बस आलू डाल के हमें इसे मिक्स कर देना है अच्छे से और पानी डाल के इसको फटाफट सीटी लगा देनी है क्योंकि हमने पहले ही मसाला और टमाटर भून लिए हैं। देखते रहिए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत ही डिलीशियस है कि नहीं। बस अब इसको हम थोड़ा पानी डाल के, पानी में आपको मेजर करके बता देती हूँ। देखिए मैंने इसमें नॉर्मल साइज़ के जो हमारे ग्लासेस होते हैं ऐसे वाले 2 ग्लास डाल दिए और ये एक और 3 ग्लास। 1 किलो में हमें बस इतना ही पानी डालना है 1 किलो आलू में। और ये आपको भी लग रहा होगा बहुत पतला है, बहुत रनी है, लेकिन जब हम इसको 2 से 3 सीटी लगाएंगे उसके बाद इसे हम मैश करेंगे तो ये अपनी सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ठीक है, बस अब हम इसे बंद करते हैं कुकर को और उसके बाद इसमें 2 सीटी लगाएंगे और तीसरी पे हम इसे बंद कर देंगे। चलिए जब तक हमारे आलू बन रहे हैं तब तक साथ ही में हम अपने आटे की तैयारी कर लेते हैं, जो कि पूरियों का आटा है। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, जितना आपको लगता हो आप उतना लगाइएगा। और उसके साथ ही इसमें क्या डलेगा, इसमें डलेगा 1/2 चम्मच अजवाइन है और 1 चुटकी हमारा खाने का सोडा है, ये रहा। और ये फ्लेवर के लिए मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, आप अवॉइड कर सकते हैं इसको। और 1 से 1.5 चम्मच नमक है। बस अब हम ये डाल के इसे अच्छे से डो बना लेंगे, टाइट डो। एक अच्छा सा आटा गूंद लेंगे इसका और उसे गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे ताकि उसके ऊपर सख्त लेयर ना आ जाए और हमारी पूरियाँ अच्छी बननी चाहिए। तो बस अब हम इस आटे में 1 टेबल स्पून भर के अपना घी डालेंगे या ऑयल जो भी आप लेते हैं वो इसमें डालेंगे ताकि हमारी पूरियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट और अच्छी बने। इसलिए बस अब हम इसे अच्छे से ये सब मिक्स करके डो तैयार कर लेंगे और आगे का मैं प्रोसेस आपके साथ और शेयर करती रहूँगी। देखिए बस अब इसमें सीटी आने ही वाली है, जैसे इसमें 2 सीटी आ जाएं उसके बाद हम इसे तीसरी सीटी आने से पहले बंद कर देंगे और उसके बाद इसको खोल के दिखाएंगे। चलिए साथ ही में मैं आपके साथ एक और रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, बहुत ही कॉमन है, आसानी से बन जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो ये हमारी दही बूंदी है, इसमें हमने दही लिया हुआ है, 1/2 किलो दही है, 1 पैकेट बूंदी है और ये कुछ मसाले हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर मैं इसमें डालती हूँ काला नमक 1/2 से थोड़ा कम चम्मच और 1/2 चम्मच नमक है। ज़ीरा पाउडर मुझे बहुत पसंद है, हर चीज़ में ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दही के साथ। ज़ीरा पाउडर है 1/2 चम्मच और ये है हमारी काली मिर्च पिसी हुई और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हम इसमें ऐड करेंगे और फटाफट अपना रायता तैयार करेंगे। चलिए बस ये हमारा रायता जो है, दही हमने अच्छे से फेंट लिया है एक पिस्कर की सहायता से। अब हम इसमें अपनी बूंदी जो हमने पानी के साथ भिगो के रखी थी वो ऐड कर लेते हैं और ये पानी के साथ ही पूरी ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा
पतला बनाना है, काफ़ी थिक नहीं रखना है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, खीरा भी बहुत अच्छा लगता है, और भी जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। बस ये हमारा ऐसी कंसिस्टेंसी वाला हमें रायता बहुत पसंद है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और चाहे तो इसमें ज़ीरे का तड़का भी लगा सकते हैं, पर ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। साथ ही हमारा आटा भी तैयार है, वो भी दिखा देती हूँ। देखिए आटा भी तैयार है, इसे हमने एक गीला कपड़े से कवर करके रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा आटा गूंदा है। और ये आटा मेरी बेटी गूंदती है और बहुत ही अच्छा आटा गूंदती है वो। तो इस तरीके से आप भी गीला कपड़ा ज़रूर रखें, इसको कवर करके रखें, नहीं तो इस पर पपड़ी जम जाएगी। और बस ये आटा हमारा अभी 5 मिनट रेस्ट होगा, जब तक हमारी स्टीम निकलेगी कुकर से तब तक ये रेस्ट हो जाएगा, हम पूरी बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा आलू का क्या हाल है। इसको अब हम एक मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर देंगे, थोड़ा गर्म है, ध्यान से करेंगे इस चीज़ को। और ये ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही आलू को पीसीज में काटा हुआ था और 3 सीटी लगाई थी, तो इसलिए ये बहुत जल्दी ही कुक हो गया है। ये देखिए बस आप, इसमें थोड़े थोड़े मोटे आलू हमें चाहिए होंगे, ज़्यादा पूरा मैश नहीं करना है। और ये बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी वाला जो है हमारा आलू का भरता तैयार है। इसमें बस हमें अब लास्ट इंग्रेडिएंट मिलाना है और वो है हमारा अमचूर पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और बस इसे हमें ढक के रख देना है, फिर इसका घी ऊपर आ जाएगा। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और बस बंद करके रख देंगे। चलिए दोस्तों बाकी सारी चीज़ें तैयार हैं, अब हम शुरू करते हैं अपना पूरियां बनाना। और ये देखिए बस बहुत ही आसान है पूरी बनाना, कोई ख़ास काम नहीं करना होता इसमें, छोटी छोटी आपको पेड़े बना के रखने, और इसमें ज़्यादा आटा नहीं लगाएं क्योंकि फिर वो हमारे घी में बैठ जाएगा नीचे और बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा जल के, इसलिए हमें ख्याल रखना है बिल्कुल हल्के हाथों से अपनी पूरियाँ बेलनी हैं, और उसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा आटा आप उसमें बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बस हमारी पूरी तैयार है, ऐसे ही हम अपनी सारी पूरियाँ तैयार कर लेते हैं। चलिए घी में डाल देते हैं, घी अच्छा गरम होना चाहिए, बिल्कुल गरम, तभी हमारी पूरी अच्छे से एकदम, देखिए कैसे फूल गई ना बिल्कुल। अगर ये घी या तेल ठंडा होगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। और ये देखिए अच्छे से सिक गई है एकदम, इसीलिए हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हमारा घी बिल्कुल गरम होना चाहिए। और बस इसे हल्का सा हम ऊपर से ऐसे दबाएंगे तो ये पूरी फूल के ऊपर आ जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बनी है माशाल्लाह, ऐसे ही दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसानी से बन गया है हमारा आलू का भरता और बेहतरीन पूरियाँ। और ये मेरा नींबू और मिर्च का अचार है, और ये वही दही और बूंदी का रायता है। तो चलिए इंजॉय कीजिए, आप भी बनाइए, कोशिश करिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल का नाम है फूड एंड क्रिएटिविटी। अगली जल्दी ही मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी, नॉर्मल घर के खाने की जो हम बनाते रहते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।